चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड, मज़े में? सब मेरे बच्चे अच्छे हैं? वेरी गुड। मिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड। मिस बिल्कुल हेल्दी है और हैप्पी तो लग ही रही है। आप भी हैप्पी लग रहे हो? सब हैप्पी लग रहे हैं और आज तो सब फ्रेश भी लग रहे हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, फ्रेश, वेरी गुड। हेल्दी एंड फ्रेश हमेशा रहना चाहिए। ब्रेकफास्ट हो गया? वेरी गुड। दूध पिया? वेरी गुड। सब बच्चे अच्छे हैं। वेलकम टू न्यू वीडियो। वेलकम टू ऑल माय चिल्ड्रन। मिस की क्लास में सबका स्वागत है। और हेल्दी फ्रूट्स खा रहे हैं? वेजिटेबल्स खा रहे हैं? लीफी वेजिटेबल्स खा रहे हैं? वेरी गुड। और जो आपके छोटे भाई बहन अगर नहीं खाते ना, तो उन्हें भी सिखाना है खाने के लिए। आप सीख गए तो उन्हें भी सिखाना है, राइट? थम्स अप। वेरी गुड। और बताओ, क्या किया छुट्टियों में? मज़े कर रहे हैं? वेरी गुड। और एक्सरसाइज? यस, हाँ, एक्सरसाइज से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मिस हमेशा कहती है सेफ रहो, अच्छे अच्छे हेल्दी खाने खाओ, जंक फूड मत खाओ। और मिस हमेशा कहती है हेल्दी रहना है, सेहतमंद रहना है, तो व्यायाम करो, क्योंकि मिस रोज़ व्यायाम करती है ना? मिस लगती है ना फ्रेश और हेल्दी, क्योंकि मिस रोज़ व्यायाम करती है। तो आप सबको भी रोज़ व्यायाम करना है, राइट? व्यायाम से शुरू करें। रेडी? रेडी टू माय ऑल चिल्ड्रन? वेरी गुड। तो आज हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज, एक नया व्यायाम। ओके, स्टार्ट करें। पहले हमारे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे आप, स्ट्रेट, बिल्कुल सीधा, जैसे ये है ना, ऐसे सीधा लेना है दोनों हाथों को ऊपर, ऐसे सीधा ऊपर लेना है। फिर दोनों हाथों को जैसे नमस्कार करते हैं ऐसे ज्वाइन कर लेना है, ऐसे जैसे हम नमस्ते करते हैं, ठीक है? ऐसे ज्वाइन कर लेना है। तो पहले दोनों हाथों को ऊपर ले गए सीधा, फिर दोनों हाथों को जैसे नमस्ते करते हैं ऐसे सीधा जोड़ लेना है। फिर धीरे धीरे हम अपने हेड के ऊपर ऐसे टच करेंगे हाथ को, राइट? अगेन ऊपर ले गए सीधा, हाथों को ज्वाइंट ही रहने देना है, ठीक है? फिर अगेन हम अपने हेड पे टच कर रहे हैं, ठीक है? टू टाइम्स टच किया, फिर धीरे धीरे हम अपने हाथों को नीचे स्ट्रेट पोजीशन में ले आएंगे। ऐसे सीधे रखेंगे कि जैसे हमारे घुटनों की तरफ हमारे हाथ टच होने चाहिए, ठीक है? ये है हमारे आज की न्यू एक्सरसाइज। अगेन फिर से करें। फिर से हमारे दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे सीधा स्ट्रेट पोजीशन में, सीधी पोजीशन में। फिर नमस्कार जैसे करते हैं, फिर से ऐसे जॉइंट करके नमस्ते के इसमें हाथों को जोड़ लेंगे। फिर धीरे धीरे ऐसे हमारे हेड पे, मतलब हमारे सर के ऊपर, बालों के ऊपर ऐसे टच करेंगे। अगेन हाथों को ऊपर ले जाएंगे, फिर अगेन धीरे धीरे सर के ऊपर लेके आएंगे, ठीक है? ऐसे ले आए, फिर अगेन धीरे धीरे हम अपने हाथों को नीचे ले गए, और जहाँ पे हमारे घुटने हैं ऐसे हमने हाथों से नीचे की तरफ हाथों को स्ट्रेट कर दिया। तो इससे हमारी क्या एक्सरसाइज हुई? इससे हमारे शोल्डर ऊपर गए, हमारे एल्बो ऊपर गए, हमारा हाथ पूरा का पूरा ऊपर गया, अप डाउन हुआ। तो हमारे फुल हैंड्स की एक्सरसाइज हुई और साथ में शोल्डर्स की भी एक्सरसाइज हुई, क्योंकि हमने हाथ ऊपर किए, तो हमने हाथ ऊपर किए तो हमारे शोल्डर्स की भी एक्सरसाइज हुई, है ना मज़ेदार? और हमने बालों को टच किया, हेड को टच किया और फिंगर्स को ज्वाइन किया, तो हमारे फिंगर्स की भी एक्सरसाइज हुई, है ना? है ना मज़ेदार? एक साथ कितनी सारी चीज़ें होती हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स कनेक्ट हो जाते हैं आपस में, और एक साथ एक ही व्यायाम में हमारी कितने सारी बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज हो जाती है, जिससे हम हेल्दी रहते हैं, राइट? वेरी गुड। तो आप इस करेंगे घर पे? बहुत इजी है, जैसे हम नमस्ते करते हैं, कोई भी आता है तो, घर में मेहमान आते हैं तो, या बड़े बुज़ुर्गों को नमस्ते करते हैं तो, ठीक है, राइट? अब मैं आपको एक और मज़ेदार एक्सरसाइज बताती हूँ, वो भी बहुत इजी है। वो तो आप खेल खेल में, मतलब कभी भी कर सकते हो, कभी भी कर सकते हो, घर पे खेलते खेलते जब ब्रेक लिया बैठे हैं तो तभी भी कर सकते हो। जैसे हमने अपने हाथों की फाइव फिंगर्स को ऐसे लॉक कर दिया,
ठीक है, ऐसे लॉक कर दिया फाइव फिंगर्स को, फिर हम ऐसे ऐसे अपनी कलाई को मूव कर रहे हैं, अपनी विस्ट को मूव कर रहे हैं, ऐसे दोनों हाथों की विस्ट मूव हो रही है, हमारी कलाई मूव हो रही है। इसको आप अंदर की तरफ भी घुमा सकते हैं और बाहर की तरफ भी घुमा सकते हैं, अंदर की तरफ भी घुमा सकते हैं, बाहर की तरफ भी घुमा सकते हैं। फाइव फिंगर्स ओपन किया, लॉक किया, फिर ऐसे मूव किया। जितना अगर आप अपने पूरे हाथ को मूव करेंगे कलाई के साथ, तो देखो आपकी एल्बो भी मूव हो रही है और हाथ का ऊपरी शोल्डर्स भी मूव हो रहे हैं और कलाई भी मूव हो रही है। चाहे आप इसको अंदर की तरफ मूव करो, चाहे बाहर की तरफ मूव करो, चाहे अंदर की तरफ घुमाओ, चाहे बाहर की तरफ घुमाओ, तो इससे हमारे कलाई की एक्सरसाइज हो रही है, साथ में फिंगर्स की भी एक्सरसाइज हो रही है। फिंगर बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, बंद हो रही हैं, खुल रही हैं, है ना मज़ेदार? मज़ा आया बच्चों को? वेरी गुड। तो आप सब करेंगे एक ही एक ही वही वही व्यायाम आप करेंगे तो भी थोड़ा बोर होता है। तो जब आप नया नया सीखेंगे और कुछ नया नया ट्राई करेंगे तो उसमें आपको करने में भी मज़ा आएगा और आप हेल्दी भी रहेंगे, है ना मज़ेदार? ठीक है, अब हमारा व्यायाम यहाँ पे पूरा हुआ। अब हम क्या करेंगे, मिस को थम्स अप दो, थम्स अप। नाउ क्लैप योर हैंड्स फाइव टाइम्स। क्यों फाइव टाइम्स? क्यों? क्योंकि हम ब्रेक ले रहे हैं। एक दो तीन चार पाँच, तो ये हमने क्लैप किया और मिस ने आपको ब्रेक दिया। हमारा यहाँ पे एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, व्यायाम पूरा हुआ, राइट? और झगड़ा नहीं करते ना घर पे बिल्कुल भी, मामा पापा को तंग नहीं करते, बड़ों को तंग नहीं करते, वेरी गुड। आज हम क्या सीखेंगे, ठीक है, आज हम सीखेंगे नया स्वर। आज हम क्या सीखेंगे, एक और नया स्वर सीखेंगे, आ स्वर, आ। आज क्या सीखेंगे, स्वर आ। चलो बोलो पांच बार मेरे साथ, स्वर आ, स्वर आ, स्वर आ, स्वर आ, स्वर आ। तो हमने फाइव टाइम्स बोला स्वर आ। तो आ तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हम किसी को बुला रहे हैं, है ना मज़ेदार? आ स्वर भी है और किसी को आने के लिए बोलते हैं तो जैसे लगता है हम किसी को बुला रहे हैं, आ, है ना? और मम्मा जब मुंह में कुछ खिलाती है तो बोलती है बेटा आ करो, बोलती है ना मम्मा, बेटा आ करो, ओपन योर माउथ। तो आप मुंह खोलते हो और मम्मा जो मज़ेदार मज़ेदार बना के लाती है वो आप खाते हो, है ना? तो आज का हमारा स्वर है आ, ठीक है। आ से पहले मैं आपको अच्छी सी कविता सुनाती हूँ, ठीक है? अच्छी सी कविता सुनिए आ से। स्टार्ट, रेडी, थम्स अप, वेरी गुड। चलो क्लैप करते करते गाएं आ। कविता का शीर्षक, हाँ मिस जरूर बताएगी कविता का शीर्षक, टाइटल ऑफ द पोएम इज कविता का शीर्षक, हिंदी में कविता का शीर्षक आम, कविता का शीर्षक आम। आम आप सबको बहुत पसंद है ना, मैंगो, मीठा मीठा, कोई कोई खट्टा मीठा भी होता है बहुत ज़्यादा, कोई कोई सिर्फ खट्टा भी होता है। तो जिन बच्चों को सिर्फ खट्टे आम पसंद है तो उनको ज़्यादा मज़ा आता है जब आम खट्टा निकल जाता है, और फिर जब आम, कुछ बच्चों को बहुत मीठा मीठा रसीला पसंद होता है तो जब आम बहुत मीठा निकलता है बहुत यम्मी लगता है तो आप और खुश हो जाते हो कि मैंगो इतना मीठा है मम्मा, इतना मीठा है कि पूछो मत, है ना? आम खाने में, आम के सीज़न में बहुत मज़ा आता है, मेरा तो फेवरेट फ्रूट है, आप सबका भी है, हाँ सबका, बड़ों का, छोटों का, दादा दादी का, मम्मी पापा का। आम फल ही ऐसा है कि सबको पसंद आता है, सबका फेवरेट है, कोई ऐसा नहीं हो सकता जो ये बोले कि मुझे आम पसंद नहीं, राइट? तो फेवरेट फ्रूट मैंगो। तो कविता का शीर्षक आम, कविता का शीर्षक आम। शुरू करें, चलो ताली बजाओ, क्लैप करो। आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है, दिखता ताज़ा ताज़ा है, आम फलों का राजा है, दिखता ताज़ा ताज़ा है, रंग है इसका पीला पीला, रंग है इसका पीला पीला, खाने में है खूब रसीला, खाने में है खूब रसीला। मज़ा आया? एक बार और गए, कविता का शीर्षक आम, आम फलों का राजा है, आम फलों का राजा है,
दिखता ताज़ा ताज़ा है, दिखता ताज़ा ताज़ा है, रंग है इसका पीला पीला, रंग है इसका पीला पीला, खाने में है खूब रसीला, खाने में है खूब रसीला। क्लैप योर हैंड्स, ताली बजाओ जोर से, क्योंकि मिस को तो ये कविता बहुत पसंद है आम की। आप सबको भी पसंद आई, मज़ा आया, खुश हुए आप सब, वेरी गुड। तो ये था हमारा आज का स्वर आ, और हमने सुनी आ से कविता। और अब और पहला स्वर आ के साथ हमने पहला आपको शब्द भी बताया कि आ से आम होता है, पीला पीला रसीला आम होता है ना। तो आ से आम, चलो बोलो मिस के साथ पांच बार, आ से आम, 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 मीठा मीठा रसीला आम। खट्टा भी बोल सकते हैं क्योंकि कोई कोई आम बहुत खट्टे होते हैं, और जब उसको खाओ तो बहुत वो जो खट्टा खट्टा दांतों में लगता है ना, अमेजिंग, मज़ा आता है ना। तो कभी कभी खट्टे आम खाने में भी मज़ा आता है, मीठे खाने में तो हमेशा ही मज़ा आता है, राइट। तो ये था हमारा पहला शब्द आ से आम। अब दूसरा स्वर आ, ठीक है, पहले पांच बार क्लैप करो, ब्रेक लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। अब मिस आपको दूसरा शब्द बताती है, आ से दूसरा शब्द है आग। क्या है दूसरा शब्द? आ से आग, आ से आग, आ से आग, आ से आग, आ से आग। हमने फाइव टाइम्स बोला आ से आग। आग क्या? आग मीन्स फायर, यस। आग मतलब फायर, माचिस से मम्मी गैस जलाती है या फिर लाइटर से जलाती है, तो जो गैस जलती है, जो वो फायर दिखती है, उसको हिंदी में कहते हैं आग। क्या कहते हैं हिंदी में? आग, राइट। कैंडल, यस, कैंडल भी जलाते हैं, वेरी स्मार्ट चिल्ड्रन, थम्स अप, मिस खुश हुई। कैंड, ठीक है बच्चों, तो कैंडल में जो लौ जलती है, जो ऊपर फ्लेम आती है, वो भी आग होती है, उसे भी हम आग कहते हैं क्योंकि वो भी फायर है। तो कैंडल जब जलाते हैं, माचिस से जलाते हैं, माचिस में से भी आग निकलती है, तीली जलाते हैं तो ऐसे मम्मा जलाती है ना, लेकिन बच्चों के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, ओके। ये मिस आपको पर्सनली सब बच्चों को दे रही है मैसेज कि आपको आग की चीज़ों से दूर रहना है, आपको गैस खुद ऑन नहीं करना है, आपको माचिस से नहीं खेलना है, माचिस को टच नहीं करना है, दिस इज़ नॉट सेफ फॉर द चिल्ड्रेन, ओके, राइट, समझ गए। तो फायर से मस्ती नहीं करना है, फायर से मस्ती नहीं करना है, प्रॉमिस, प्रॉमिस, वेरी गुड चिल्ड्रेन, वेरी गुड चिल्ड्रेन, ओके। और जब लाइट अगर जाएगी, अगर मामा पापा कैंडल जलाएंगे, तो कैंडल के नज़दीक भी नहीं जाना है, ओके, तो कैंडल से भी दूर रहना है, आग वाली चीज़ों से दूर रहना है। गैस मम्मा बड़ी है तो मम्मा ही गैस ऑन करेगी, ठीक है, माचिस से भी नहीं खेलना है, दिस इज़ द मैसेज, ठीक है, टीचर की तरफ से मैसेज है ये कि आपको आग वाली चीज़ों से प्ले नहीं करना है, खेलना नहीं है, उनके नज़दीक नहीं जाना है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा? दूसरा शब्द आ से आग, आ से आग, आ से आग, ठीक है, ये था हमारा आ से दूसरा शब्द। अब मिस बताएगी आपको तीसरा शब्द, आ से तीसरा शब्द कौन सा होता है। पहले पांच बार क्लैप करें, एक दो तीन चार पांच, राइट। तो अब बारी है तीसरे शब्द की। जो ये तीसरा शब्द है, ये बड़ा मज़ेदार है, जैसे आम मज़ेदार था, आम आप सबको पसंद है, तो ये जो तीसरी वस्तु है ना, जो तीसरी चीज़ है, ये भी आप सबको बहुत फेवरेट है, सब बच्चों की फेवरेट होती है, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो ये नहीं खाता है, राइट। मिस को भी पसंद है, मिस भी खाती है, बताऊँ क्या? आलू, आ से आलू, आ से आलू, बोलो पांच बार, आ से आलू, आ से आलू, आ से आलू, आ से आलू, आ से आलू। आलू की सब्जी मम्मा बनाती है, फिर आलू को बॉयल करके मम्मा टोस्ट भी बनाती है, अलग अलग तरह से आलू की बहुत सारी अच्छी अच्छी सब्जियां बनती हैं,
ठीक है। और आलू ऐसी सब्जी है जो किसी भी दूसरी सब्जी के साथ बनाया जा सकता है, तो हम वो जो दूसरी वेजिटेबल है उसका जो टेस्ट है वो भी डबल हो जाता है, तो हम वो दूसरी वेजिटेबल भी मज़े से खाते हैं उसके साथ, है ना। आलू अब सबको पसंद है ना, मुझे पता है, हाँ मुझे पता है आप सबको आलू बहुत पसंद है। इंग्लिश में तो आप सबको पता है आलू मीन्स पटैटो, आलू पटैटो, आलू पटैटो, और हिंदी में आलू, और हिंदी में आलू, और हिंदी में आलू कहते हैं। तो ये था हमारा तीसरा शब्द आसे आलू। अब मैं आपको चौथा शब्द बताती हूँ, फोर्थ वन, ठीक है। चलो मेरे साथ क्लैप करो, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। तो अब मिस आपको बताएगी कि चौथा शब्द क्या होता है, वो भी आप सबको पता है, बहुत इजी है। आ से आसमान, आ से आसमान मतलब स्काई। आप सबको इंग्लिश में पता है स्काई, है ना, जिसमें रात को स्टार्स देखते हैं, मून निकलता है और बारिश होती है आसमान से। अभी तो रेनी सीजन है ना, तो बारिश भी आ रही है। बारिश का मौसम बहुत पसंद आता है सबको, सबके मन को भाता है बारिश का मौसम। तो हमारा चौथा शब्द है आसमान। बोलो आसे आसमान, आसे आसमान, आसे आसमान, आसे आसमान, आसे आसमान, है ना, बहुत इजी है ना। तो ये था हमारा चौथा शब्द आसे आसमान, ठीक है, मतलब स्काई। स्काई का कलर कौन सा होता है? यस वेरी राइट, ब्लू कलर। स्काई का कलर ब्लू होता है, स्काई का कलर ब्लू होता है ना, ठीक है। अभी आखिरी शब्द, पांचवा शब्द जो मिस बताएगी आसे, आसे पांचवा शब्द है। पांचवा शब्द बता मिस आपको, आसे, आसे है आंसू, आसे आंसू। आंसू मिस हमारे टीयर्स जो हमारी आंखों से बहते हैं, तो जब हम रोते हैं किसी बात के लिए, आप मम्मा पापा को ज़िद करते हो, दादा दादी से कुछ मांगते हो और फिर कुछ ना मिले, तो आपको रोना आता है, आप क्राई करते हो, रोते हो, तो आंखों से जो निकलते हैं टीयर्स उसे हिंदी में कहते हैं आंसू, हिंदी में कहते हैं आंसू। आसे आंसू, आसे आंसू, आसे आंसू, आसे आंसू, आसे आंसू। लेकिन रोना बुरी बात है ना। मिस तो यही सिखाएगी कि रोना बुरी बात है, जैसे ज़िद करना बुरी बात है ऐसे रोना भी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हमेशा स्माइल करते रहना चाहिए, खुश रहना चाहिए। तो आप सब खुश रहेंगे, स्माइल करते रहेंगे। ये सिर्फ आंसू मिस ने पढ़ाने के लिए आपको बताया है, नॉलेज के लिए आपको बताया है कि आंसू होते हैं आसे, ठीक है, लेकिन रोना नहीं है, रोना नहीं है, रोना नहीं है। चलो इसी बात पे क्लैप करो, प्रॉमिस मिस से कोई नहीं रोएगा, कोई जिद नहीं करेगा। वेरी गुड, एक दो तीन चार पाँच। तो मिस ने आपको आसे क्या क्या बताया, आसे आम बताया, फिर आसे मिस ने आपको आग बताई, फिर आसे मिस ने आपको आलू बताया, फिर आसे मिस ने आपको आसमान बताया, फिर आसे मिस ने आपको आंसू बताए। तो मिस ने आपको आसे इतने सारे शब्द बताए। मज़ा आया आप सबको सीख के, और मज़ेदार आम वाली कविता भी सुनाई, है ना, था ना मज़ेदार आज का सिलेबस। सबको मज़ा आया, मिस को तो बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ, आप सबको भी मिस के साथ मज़ा आया। वेरी गुड, थैंक यू, सो स्वीट। मेरे सारे बच्चे बहुत प्यारे, स्वीट स्वीट बच्चे। टीचर मिस वेरी मच मिस्ड, सबको बहुत मिस करती हूँ मैं, आप सब भी टीचर को मिस करते हो, थैंक यू सो मच। और व्यायाम ज़रूर करेंगे, जो आज नया व्यायाम सीखा वो आप सब ज़रूर करेंगे, है ना, करेंगे ना सब बच्चे व्यायाम, प्रॉमिस, थम्स अप, वेरी गुड। तो अब हमने कविता सीख ली, उसके बाद हमने आसे शब्द सीख लिए, अब हम लिखना सीखेंगे कि आ कैसे लिखते हैं, बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि कविता के बाद और शब्द पढ़ने के बाद अब हम आ
सीखेंगे। तो ये हमारी पुस्तक है हिंदी मेरा पहला कदम, ठीक है, इसमें पेज नंबर नौ, ठीक है। ये है आ, आ से आम, आ से आग, ठीक है। ये है आ, ये है आ, ये है आ, पेज नंबर नाइन, यस, वेरी गुड। पेज नंबर नाइन में आ लिखा हुआ है, आ से आम, आ से आग, मतलब फायर, जो मिस ने आपको बताया कि आग से दूर रहना है, ठीक है। तो अब हम सब लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे कि आ कैसे लिखते हैं। रेडी माय ऑल चिल्ड्रन, मेरे सब बच्चे तैयार हैं सीखने के लिए, वेरी गुड। चलो कॉपी पेंसिल लेके रेडी हो जाओ, स्लेट ले लो या चॉक ले लो, ठीक है। रेडी, सीखें आ कैसे लिखते हैं, स्टार्ट करें, थम्स अप, स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, मिस अभी आपको बताती है कि आ कैसे लिखते हैं। तो देखो बोर्ड की तरफ, मिस ने पहले से यहाँ पे दो बार आ लिखा है। ऐसे ही आप पहले मम्मी से या पापा से पहले बुक में लिख के ले सकते हैं, तो उसके ऊपर ऐसे लिखने की प्रैक्टिस कर सकते हैं पेंसिल से, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी से और जल्दी लिखने आएगा। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे, आधा चाँद, फिर एक और आधा चाँद, जैसे आप 1 2 3 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। फिर यहाँ से बीच में से आड़ी रेखा बनाएंगे, फिर यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन, ऐसे, ठीक है। फिर उसके पास में एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, ऐसे, जैसे 1 लिखते हैं, ठीक है, ऐसे एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फिर उसके ऊपर स्लिपिंग लाइन बनाएंगे, ऐसे स्लिपिंग लाइन बनाएंगे। तो ये हमारा बन जाएगा स्वर आ, स्वर आ, बोलो मेरे साथ, स्वर आ, ठीक है। फिर से उसी के ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे, फिर से आधा चांद, एक और आधा चांद, ऐसे थोड़ा सा ऊपर की तरफ रेखा को ले जाएंगे, फिर बीच में से यहाँ से आड़ी रेखा बनाएंगे, ऐसे छोटी सी हाफ रेखा, फिर जैसे 1 लिखते हैं स्टैंडिंग लाइन बनाते हैं, ऐसे स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे। फिर उसके पास इतना स्पेस छोड़ के एक और स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे, सीधी रेखा और ऊपर आड़ी रेखा, ऐसे स्लिपिंग लाइन। तो ये हमारा बन जाएगा आ, स्वर आ, स्वर आ, ऐसे ही कॉपी में पहले लिख के उसके ऊपर पेंसिल लगा चला चला के 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो उससे आपको ज़्यादा आसानी से ज़्यादा जल्दी लिखने आ जाएगा। का बच्चों, कितना आसान था आ लिखना, सबको इजी लगा? बिल्कुल, जब आप लिखेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसान लगेगा और आप आसानी से सीख जाएंगे, कुछ भी मुश्किल नहीं है। और मेरे बच्चे तो वैसे ही स्मार्ट हैं, सारे बच्चे मेरे स्मार्ट हैं, है ना। तो जब आप ऐसे हवा में भी उंगली चला के आ लिखेंगे ना, तो आपको बहुत आसानी से आ लिखना आ जाएगा। हवा में उंगली घुमा के जब आप प्रैक्टिस करेंगे, ऐसे एक बार, दो बार आधा चांद लाइन, फिर सीधी लाइन, फिर एक और स्टैंडिंग लाइन सीधी लाइन, और उसके ऊपर हवा में स्लिपिंग लाइन बनाएंगे ऐसे। तो जब आप हवा में ऐसे उंगली घुमा के लिखेंगे तो आप और जल्दी से सीख जाएंगे, ठीक है। आप सबको आ लिख के मज़ा आया, कविता पढ़ के मज़ा आया, आ से बहुत सारे शब्द सीख के मज़ा आया, वेरी गुड। तो मिस से प्रॉमिस करेंगे कि कोई आग से नहीं कुछ भी करेगा मस्ती, राइट। आज का ये मैसेज भी है कि व्यायाम करना है और फायर से मस्ती नहीं करनी है, फायर से मस्ती नहीं करनी है, राइट, ट्रू, प्रॉमिस, प्रॉमिस, वेरी गुड, थम्स अप। तो सब लिखने का अभ्यास करेंगे और आम की कविता भी पढ़ेंगे मज़ेदार मज़ेदार, ठीक है, वेरी गुड। टेक केयर, टेक रेस्ट, हेल्दी रहो, सेफ रहो, घर में सुरक्षित रहो, ठीक है, क्योंकि रेनी सीजन है, बाहर वैसे भी नहीं जाना है, अपना ध्यान रखो, राइट, बड़ों की बातें मानो, प्रॉमिस, वेरी गुड, बाय।